हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आपने सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन क्लियर की है, चाहे वो आपने गूगल ड्राइव से की थी, पेन ड्राइव से, या फेस टू फेस से, या कोई लाइव स्ट्रीमिंग मोड पर कभी ऐसा आपको महसूस हुआ है कि आपने कोई तो जगह पर जाकर फेस टू फेस पढ़ना चाहिए। आपको ऐसा महसूस होता है कि हमने सीए स्टूडेंट्स के बीच में रहकर, बिल्कुल उनके साथ में रहकर, कॉम्पिटिटिव माहौल में पढ़ना है। आपकी इच्छा है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी मिलना चाहिए। अगर आपको यह लगता है कि आपको स्टेज करेज मिलना चाहिए, आपको लगता है आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर आपको लगता है आपको रियल लाइफ नॉलेज भी आना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने लोगों के साथ में सोशल कैसे रहना चाहिए, अगर आपकी ख्वाहिश है कि यू रियली वॉन्ट टू गो बियॉन्ड द बुक्स, आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई के साथ साथ में दी कंप्लीट पर्सनैलिटी अगर आपको बनना है, तो दोस्तों मेरे पास है आप सभी के लिए अच्छी खबर। आप सभी जानते हैं एसपीसी हैज स्टार्टेड एसपीसी गुरुकुल सिंस लास्ट 3 बैचेस। जी हां, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, एसपीसी स्टार्टेड गुरुकुल इन अप्रैल 2022। नाउ इट्स बीन 1.5 ईयर्स दोस्तों एसपीसी ने गुरुकुल को स्टार्ट किया है, और इस तरह से आप सभी ने उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, बिकॉज इसमें वो सारी बातें हैं जो एक सीए स्टूडेंट्स के जिंदगी में जरूरत होती है। बिकॉज मैं समझता हूं कि सीए इज जस्ट नॉट लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमें अगर जीवन में बहुत कामयाब बनना है तो सिर्फ किताबें नॉलेज से कुछ नहीं होगा, यू शुड हैव अ कंप्लीट पर्सनालिटी जिसमें आपका कम्युनिकेशन, आपका नॉलेज, आपका जनरल नॉलेज, आपकी फिनांस की समझ, आपका नेटवर्क बनाने का स्किल, इन सभी की भी उतनी ही जरूरत होती है। इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट योर सेल्फ रिक्रूटेड इन बिग कंपनीज, तो आपके पास में आपकी लैंग्वेज का अच्छा होना जरूरी होता है, आपका नेटवर्क अच्छा होना जरूरी होता है। इन सारी बातों को देखते हुए हमने 2 साल पहले एसपीसी गुरुकुल को लॉन्च किया, और जिसकी वजह से अभी तक हजारों स्टूडेंट्स, इतने सारी बैचेस हमने कंप्लीट करी है, एंड दे हैव लर्न फ्रॉम गुरुकुल, एंड वेयर वी आर प्रोवाइडिंग नॉट ओनली द सीए कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, हम लोग सीए कोचिंग क्लासेस ही नहीं, उसके साथ साथ में रहना भी वहीं पे, खाना भी वहीं पे, लॉन्ड्री उसकी वहीं पे, वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सिर्फ स्टूडेंट का फोकस उसके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे अटेंशन फॉर एनीथिंग एल्स। वो यहाँ पे आता है, सीए छात्र के बीच में रहता है, कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, टेस्ट भी देते हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन होती है। तो दोस्तों, इस तरह के माहौल में जहाँ पे स्टूडेंट्स को कुछ भी अपने से करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास में यहाँ पे गुरुकुल में एक्सपर्ट फैकल्टीज को भी बुलाया जाता है, ताकि आपको आजकल के जो अपडेट्स है वो पूरी तरह से वाकिफ कराया जाए। गुरुकुल के अंदर हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिशन लेते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स की कॉम्पिटिशन तो होती है, इनडोर आउटडोर गेम्स तो होती है, साथ साथ में बहुत ही अलग टाइप के डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, इन सब का भी हम लोग इन्वॉल्वमेंट करते हैं। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है हमारे अपने गुरुकुल में, जहाँ पे आप करेंगे फेस टू फेस सी एंट्री की क्लासेस और रहेंगे हमारे अपने गुरुकुल में। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐसी जगह जिसको मैं कहता हूँ ये आजकल के सीए स्टूडेंट्स का एक नया घर बन चुका है। यहाँ पे लोगों की ख्वाहिश है, लोगों का ड्रीम होता है कि वो जीवन में एक बार वो यहाँ पे आकर है। जिस तरह से लोगों की इमोशनल बॉन्डिंग होती है, ये हमारे कल्पनाओं के बाहर है। लोग आते हैं, 6 महीना 8 महीने रहते हैं, पर जो इनके बीच का भाईचारा है, जो इमोशनल अटैचमेंट है, उसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। दोस्तों, मैं आप सभी से, आप लोगों से, आपके पेरेंट्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए एसपीसी गुरुकुल भेजें। ये मेरा आपसे वादा है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। 6 महीनों के बाद 8 महीनों के बाद में यू विल फाइंड द डिफरेंस इन योर चाइल्ड। आपको लगेगा कि इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ कि मैंने अपने बच्चों को इतने दूर जरूर भेजा है, पर मेरा बच्चा कुछ नया बन कर आया है, कुछ सीख कर आया है, माँ बाप की वैल्यू करने लगा है। ऐसा परिवर्तन आपको, बिकॉज जब तक आप थोड़ा सा घर के बाहर नहीं निकलते, आपका विकास नहीं होता। वो कहते हैं घर के बीच में बैठकर आसपास में माँ बाप के सहारे से आपकी उन्नति नहीं होती। अगर आपको उन्नति करना है तो थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, दुनिया को समझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तो विकास ज़्यादा होगा। सो मित्रों, एक ऐसी जगह हमने बनाई है जहाँ पे आपको मिलने जा रहा है फेस टू फेस क्लासेस विद द बेस्ट एकोमोडेशन फैसिलिटी। इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अपियर फॉर नवंबर 24 एग्जामिनेशन, जहाँ पे हमारे
गुरुकुल के दरवाजे आप पूरी तरह से खुल चुके हैं, एडमिशन स्टार्ट हुई है। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि ट्राई टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज गुरुकुल एक ऐसी फैसिलिटी है जो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। इसके एडमिशन जो होते हैं वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। अक्सर हम लोग पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, लाइव स्ट्रीमिंग में रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे देयर इज अ बिजनेस इज स्केलेबल, आप कितने भी स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकते हो। बट एज लॉन्ग एज द एकोमोडेशन इज कंसर्न ऑफ गुरुकुल, द फैसिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर द रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ पीपल। और इस बार रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, उसमें एसपीसी का रिजल्ट और अच्छा लगा है। अभी तक बहुत लोगों ने इस सीट को बुक कर लिया है। मैं आप सभी से कह रहा हूं, अगर आपको एसपीसी आना है, गुरुकुल में आना है, तो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ इमीडिएटली। और मैं आपको ये सभी को यकीन दिलाता हूं, इट इज गोइंग टू बी द ऑसम एक्सपीरियंस। अगर आपको यहां पे आने के बाद अगर एक महीने बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, आई एम नॉट एबल टू स्टे हियर, मैं यहां पे बैठा हूं, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वरी एट ऑल, आपका बच्चा, आपकी बेटी यहाँ पे हम अपना समझकर अपने घर में रखते हैं। ये एक अलग एक्सपीरियंस है जिसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप जितने भी लोग यहाँ पे एसपीसी गुरुकुल में रहे हैं, आप उनसे इंट्रैक्शन करके समझ सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी एन ऑसम एक्सपीरियंस। और मैं आपको एक बात मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि मैं भी खुद आई एम फ्रॉम वेरी रूरल एरिया, आई स्टेड इन हॉस्टल। मैं यहाँ पे पुणे में जब आया था, आई वॉज नॉट हैविंग माई ओन हाउस हियर इन पुणे, आई शिफ्टेड हियर इन द हॉस्टल, आई स्टेड देयर फॉर 3 years। और मैं आज अपना जितना भी मैंने सब कुछ काम किया है, जो भी मेरी सफलता मैंने प्राप्त की है, इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उस हॉस्टल का है, बिकॉज वहाँ से मैंने अपने जिंदगी में बहुत अच्छे दोस्त पाए, मैंने बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सीखा, मैंने बहुत सारा स्टेज करे सीखा, मैंने जिंदगी के अलग अलग मायने सीखे, मैंने ड्रेसिंग सेंस सीखा, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, इंग्लिश से लेकर सारी चीज़ें मैंने हॉस्टल में रह के सीखी। दोस्तों जब हम अकेले में रहते हैं तो यू डू नॉट गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती कि कैसे बात कैसे करें, बहुत बार इंग्लिश का अफेक्टेड होता है। आप जब घर पे रहते हो, यू आर नॉट इन द कॉम्पिटिशन, आपको समझता नहीं कि आपने और कितना पढ़ाई करना चाहिए। वेन यू स्टे आउट, यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि और कितना पढ़ाई करना बाकी है, लोग किस लेवल तक पढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको वहाँ पर रहकर मिलेगी। और जो आज मैं आपके सामने इतना अच्छे से बोल पा रहा हूँ, ये आई वॉज नॉट लाइक this when I was shifted to the hostel. ये hostel में जाकर I used to participate in all the programs and every activity. तब जाके मैंने सारी चीज़ों को समझा and then I have found huge improvement in myself. और मैं आज आप सभी जानते हो आपके सामने खड़ा हूँ। So दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप ज़रूर trust करिए मुझ पर, गुरुकुल में आपको आना ही है, अपनी पर्सनैलिटी को बनाना है। सी ए तो बनेंगी पर दुनिया में सक्सेसफुल भी बहुत होंगे, अच्छा इंसान भी बनेंगे गाइस। अभी हमने इस बार गुरुकुल में और एक चीज़ करी है कि गुरुकुल के खाने में भी हमने अपने लोगों के टेस्ट के हिसाब से काफ़ी बदलाव किए, ताकि मल्टीपल स्टेट्स के लोग यहाँ पे आते हैं। भारत के 24 स्टेट्स से भी ज़्यादा लोगों की संख्या अलग अलग जगह से जो आते हैं यहाँ पे एक साथ रहते हैं, तो इन सभी के टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे फूड में भी अकॉर्डिंगली सारे चेंजेस कर लिए हैं। सो दोस्तों आपका फिर से एक बार एसपीसी गुरुकुल में स्वागत है, आप आए, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ एसपीसी के गुरुकुल में, जहाँ पे यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस एन अमेजिंग लाइफ, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। सो दोज गाइज वर इंटरेस्टेड, प्लीज जरूर यहाँ पे क्लिक करें और इस फॉर्म को भरें, एंड प्लीज गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इमीडिएटली। थैंक यू सो मच।